नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बनाने जा रहे हैं प्लम केक। उसके लिए हमें चाहिए प्लम केक में सबसे इम्पॉर्टेंट है ड्राई फ्रूट्स को सोक करना। तो मैंने एक बाउल लिया है, उस पर मैं डालने वाली हूँ एप्पी जूस। हमें एप्पी जूस यूज़ करना है, एप्पी फीज नहीं यूज़ करना है, एप्पल का जो जूस रहता है वो। पर हमें टेट्रा पैक वाला यूज़ करना है। ये मैंने रियल का यूज़ किया है। आप चाहिए तो ऑरेंज जूस भी यूज़ कर सकते हो, पर घर का नहीं, टेट्रा पैक वाला ही। और रम यूज़ करना है तो सेम क्वांटिटी में 200 ml हमें रम यूज़ करना है। अभी हमें लेने हैं ड्राई फ्रूट्स। इसमें मैंने ब्लैक रेजिन्स लिए हैं, प्लम ड्राई प्लम्स लिए हैं, अखरोट और काजू। काजू को मैंने बारीक टुकड़ों में कट किया है और अखरोट को भी। ये जो मिश्रण है इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हो, जो आपको टेस्ट के लिए अच्छा लगेगा। इसको अभी हम 2 घंटे के लिए अच्छे से भीगने के लिए छोड़ देंगे। आपके पास अगर टाइम है तो आप रात को भिगो के सुबह भी यूज़ कर सकते हो। अभी इसको मैं ढक के रख दूँगी। अभी हमने जो ड्राई फ्रूट्स और उसको भिगाया हुआ था एप्पी में, वो हम पूरा का पूरा बाउल में ले लेंगे। अभी इसी में ही हमें 1/4 कप ऑयल लेना है, सनफ्लावर ऑयल है ये। 1/4 कप कंडेंस मिल्क, 1 teaspoon हमें वैनिला एसेंस डालना है। अगर आपके पास रम एसेंस है तो आप वो भी डाल सकते हो। और मैं ये कलर डालूँगी 2 to 3 drops। अगर आपके पास कैरमल कलर है तो वो डाल सकते हैं। मेरे पास ब्राउन कलर अवेलेबल है तो मैं ये वाला डाल रही हूँ। कलर कम्प्लीटली ऑप्शनल है। अभी हम ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके लेंगे। यहाँ पे मैंने मैदा लिया है 200 ml का 1 कप और 100 ml का 1 कप। ग्राम में अगर लोगे तो 200 ग्राम ये होता है। ये मैदा मैंने ले लिया। मिल्क पाउडर हमें 1/2 कप लेना है। कोको पाउडर हमें 2 tablespoons कोको पाउडर लेनी है। 1.5 teaspoon हमें लेना है बेकिंग पाउडर। 1/2 teaspoon हमें लेना है बेकिंग सोडा। ये मिक्स पाउडर है, दालचीनी, जायफल और सौंठ का पाउडर है ये। इसका मेजरमेंट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वो आप देख लीजिए। वो पूरा मिला के हमें 1 teaspoon लेना है। अभी ये सारी चीज़ों को हम अच्छे से छान के लेते हैं। अभी ये केक हम कुकर में बना रहे हैं, तो कैसे बनाना है? कुकर लेना है, एम्प्टी कुकर हमें लेना है। उसके अंदर हमें ये ऐसे प्लेट या वाटी आप कुछ भी रख सकते हो, पर बेस होना बहुत ज़रूरी है। ये मैंने रख दिया। उसके बाद हमें इसमें जो ढक्कन है उसका रिंग और इसका सीटी, हमें दोनों भी नहीं रखना है, दोनों भी निकाल देना है। और इसको बंद करके स्लो गैस पे 10 मिनट के लिए हम प्री हीट होने के लिए रखेंगे। सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करके लेना है। बैटर हमारा ठीक लग रहा है। अभी इसको इसमें हम 1/4 कप मिल्क डालेंगे। ये मैंने थोड़ा सा डाल दिया। मिल्क हमें संभाल के यूज़ करना है, नहीं तो बैटर एकदम स्लरी बनेगा। अगर आपको इसको हेल्दी बनाना है तो आप गेहूं का आटा भी यूज़ कर सकते हो सेम प्रोपोर्शन में। ये देखिए, बचा हुआ दूध भी मैंने डाल दिया है। ये रूम टेम्परेचर वाला मिल्क है। दूध को अच्छे से गर्म करके फिर हमें इसे रूम टेम्परेचर पे लाना है और फिर यूज़ करना है। ये देखिए, बैटर हमारा ऐसे ही रहना चाहिए, ना ज़्यादा थिक ना ज़्यादा पतला। टिन को मैंने बटर से ग्रीसिंग और मैदे से डस्टिंग किया है। अभी जो हमारा बैटर है ये हम इसमें डाल देंगे। अभी इसको आप चाहिए तो ऊपर से, मैं ब्लैक रेजिन्स डाल रही हूँ,
ये देखिए, इसको कुकर में बनने के लिए अराउंड कंप्लीट 40 मिनट्स जाते हैं, और आप OTG में या माइक्रोवेव में बना रहे हो तो 160 डिग्री पे 30 मिनट के लिए इसको बेक करना है। ये देखिए, मैंने थोड़ा सा मैदा लगाया है ड्राई फ्रूट्स को। अगर आप मैदा नहीं लगाओगे तो जो पूरे सब ड्राई फ्रूट्स है वो नीचे जाके बैठते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा ही मैदा हमें लगाना है। केक हमारा कुकर में जाने के लिए रेडी है। स्लो गैस पे हमें 40 मिनट्स के लिए इसको बेक करना है। ये देखिए, हमारा प्लम केक बनके रेडी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू एवरीवन।